नमोस्तु गुरुदेव। समाज में अंतरजातीय विवाह को कुछ गलत मानते हैं और कुछ सही, लेकिन कोई मनभाव से जैन पद्धति को अपनाता है तो यह विवाह गलत है या सही? दो शब्द हैं, वर्ण शंकर और वर्ण लाभ। वर्ण लाभ का विधान है, वर्ण शंकर का नहीं। ये क्या है वर्ण लाभ और वर्ण शंकर? अपने आचार विचार और व्यवहार से जोड़कर किसी को अपनाना वर्ण लाभ है, और आचार विचार और व्यवहार के बदले बिना चाहे जिसको चाहे जैसे जोड़ देना वर्ण शंकर। वर्ण शंकर में खिचड़ी हो जाती, समझ गए? किसी को अपनाने का रास्ता खुला है, पर विवाह के बाद नहीं, पहले वो अपने आप धर्म को अपनाए फिर आप उसे अपनाए। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है तो वह अजैन कह रहा, वो तो जैन हो गया, ये वर्ण लाभ है। पर उसका विधिवत जैनीकरण होना चाहिए, ये नहीं कि नमोकार जपने लगा, मंदिर जाना शुरू कर दिया तो वो जैनी हो गया। उसके हृदय में जैनत्व के प्रति श्रद्धा का भाव हो तब आप उसे बदलो।